मोर देन 40 कोर्सेज होते हैं जहाँ बच्चा अपना करियर बना सकता है, सिर्फ डिजाइन के अंदर, सिर्फ डिजाइन के अंदर 40 से ज्यादा कोर्सेज है। अच्छा, जिसमें आप मोटा मोटा का सब्जेक्ट मैं आपको बताऊँ तो फैशन डिजाइनिंग है, इंटीरियर डिजाइनिंग है, ग्राफिक डिजाइनिंग है, एनिमेशन है, प्रोडक्ट डिजाइनिंग है, ऐसे मोटे मोटे करीबन 10-12 कोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत हाईलाइटेड है। लेकिन बहुत सारे कोर्सेज लोगों को पता ही नहीं है, एक नया लेटेस्ट सब्जेक्ट है जो कि जनरली अभी लोगों को सुना है लेकिन पता नहीं है, यू आई यू एक्स सब्जेक्ट है, यूजर इंटरफेस और एक्सपीरियंस डिजाइन। अब एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को अपने एकेडमिक, स्कूल और ट्यूशन के अलावा फुर्सत नहीं मिल रही, जो ये ढूंढेगा कि ये कोई सब्जेक्ट है करियर बना सकता है। जब कोविड हुआ तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ी लैपटॉप, फिर हमने यूज़ करा जूम, जिस पर हम क्लास लिया करते थे। वो जूम का जो इंटरफेस होता है वो उस कोर्स से होके गुजरता है, मतलब जिसने उसको डिज़ाइन किया उसका इंटरफेस, वो एक कोर्स का नाम, वो एक कोर्स का। अब आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, फ़ोन में सब कुछ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यही ज़िंदगी है, यही लाइफ होने वाली है, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पर लोग ध्यान देते हैं। हमारे यहाँ एक कोड है IIT, लेकिन भाई IIT के पीछे क्यों भाग रहे हो बीटेक के लिए? IIT दूसरी तरह से भी जा सकते हैं। लास्ट 6 ईयर से IIT UG के एग्जाम कराता है, जिसको नाम बोलते हैं UC, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन। ओके, लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वो 20 साल से एग्जाम करा रहा है सीड के नाम से PG के लिए। वेलकम टू द क्यूरियस स्पॉट सर। थैंक यू, आपने टाइम दिया हम लोगों के लिए। तो भाई सर, मैं ये बेसिकली ये जानना चाहूँगा कि मैं बहुत स्क्रैच करने वाला हूँ अभी, तो मेरे को बहुत स्क्रैच से आप बताइए कि स्टार्टिंग कैसे हुई आपकी एज एन एजुकेटर, एज एन आर्टिस्ट, कैसे आपने स्टार्ट किया? मतलब आप मेरी पूरी कहानी सुनना चाह रहे हैं? डेफिनेटली। लेकिन देखिए, एक्चुअली कहानी तो बहुत लंबी होती है और क्योंकि हमारे पास टाइम कम रहता है तो हम मेन मुद्दे की बात करेंगे। देखिए, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से रहा हूँ और मैंने भी लाइफ में स्ट्रगल किया है, क्योंकि हम लोग एक एजुकेशन हब यानी जिस शिक्षा काशी कहते हैं जिसको, हम उस शहर से बिलोंग करते हैं, तो मैं भी एलन का स्टूडेंट रह चुका हूँ। अच्छा। हाँ, और मैंने भी एज यूजुअल मेडिकल की प्रिपरेशन करी है। ओके। और लेकिन शुरू से ही मैं क्रिएटिव इन सब में था और लाइफ में मुझे ये रास्ता नहीं था कि मुझे किधर जाना है, क्या करना है, लेकिन बहुत मस्ती खोर रहा हूँ, स्पोर्ट्स पर्सन रहा हूँ, एकेडमिक थोड़ा डाउन था, तो रास्ते बहुत मुश्किल थे ढूंढना, क्योंकि अभी हमारे पास एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंटरनेट है, हमारे फ़ोन में सब कुछ चल जाता है। Definitely. लेकिन एट द टाइम मुझे पास ये था कि साइबर कैफे जाके पता लगाना होता था, तो बहुत मुश्किल था वो पता लगाना। ऐसे कैजुअली एक न्यूज़पेपर में मैंने किसी कॉलेज का ऐड देखा और मुझे पता लगा यार ये पर्टिकुलर कोई बात है जहाँ जाना अपन को, और वहीं से मैंने स्टार्टिंग करी कि उस कॉलेज का एंट्रेंस वगैरह दिया और मैं उधर मूव कर गया। लेकिन स्कूल में इनिशियल लेवल पर जो स्कूल हुआ करता था उसमें मेरे को बहुत टीचर्स ने मोटिवेट किया है, और स्पेशली आपके इसके थ्रू मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ थैंक यू सो मच उन टीचरों का जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि मैं एकेडमिक ना जाके, मेडिकल में ना जाके, आप इधर जाओ क्योंकि आप यहाँ स्ट्रॉन्ग हो। अगर वो टीचर नहीं होते तो आज मैं यहाँ नहीं होता, तो स्पेशली उन टीचर्स के लिए थैंक यू सो मच कि उन्होंने मुझे इतना मोटिवेट किया है। और एक टीचर का रोल बहुत बड़ा है बच्चे की लाइफ। तो अभी जैसे आपने बताया कि आपने कॉलेज का एक ऐड दिखा था न्यूज़पेपर के अंदर, कौन सा कॉलेज का ऐड दिखा था? सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन पुणे में है। पुणे के अंदर? यस। तो वो आपने पेपर क्वालिफाई किया? यस। और उस और कौन से स्कूल से आपकी स्कूलिंग हुई है? मैं मोदी पब्लिक स्कूल से पास आउट हूँ। दादा वाड़ी वाला। यस। अच्छा, सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर कॉलेज फ्रॉम पुणे, आप कोटा वापस रिटर्न है या आपने ज्वाइन किया किसी स्टूडियो को? मतलब एक्चुअली वो कहते नहीं है आपके डेस्टिनेशन जहाँ आपको लिखी है, डेस्टिनी जहाँ लिखी है आपकी वो आप वहीं जाओगे। तो ड्रीम बहुत बड़े बड़े थे, ये करना है, वो करना है, कोर्स कंप्लीट किया, बट हम इंडियन हैं एक्चुअली, हमारी फैमिली हमारी पहली प्रायोरिटी होती है, तो जब फैमिली प्रेशर पड़ा और फैमिली को ज़रूरत थी मेरी, तो मुझे वो सब छोड़ के आना पड़ा। मैं सब छोड़ के कोटा आया, काफ़ी टाइम तक फ्री बैठा रहा, तो मेरे बड़े भैया ने मुझे सजेशन दिया कि तपेश तुम जब तक फ्री हो तब तक पढ़ाना स्टार्ट कर दो जो तुमने सीखा। ऐसे ही मैंने एक दो बच्चों को पढ़ाना स्टार्ट किया और एंट्रेंस वगैरह दिया, उन्होंने वो क्वालिफाई कर गए ऑल इंडिया लेवल पे, तो मेरी दुकान चल गई। फिर मैंने एक्चुअली उनको पढ़ाते पढ़ाते बहुत सारी चीज़ एक्सपीरियंस करी है कि टीचर इट्स नॉट अ इजी टास्क, और टीचर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और जो मेरे अंदर टैलेंट था, जो मेरे अंदर चीज़ें थी, मैं चाह रहा था शायद टीचिंग के थ्रू बाहर आ सकती है, तो मैंने वो चीज़ अडॉप्ट कर ली। फिर मैं वो मेरा करियर बन चुका है, अब मेरी आइडेंटिटी बन चुका है, अब लोग तपेश माथुर नहीं तपेश सरदानते। तो आपने, और ये कौन से ईयर की बात है, कौन से सन में आपने? 2004 से मैं चला गया था यहाँ से।
और 2004 के बाद मैं 4 साल बाद वापस आया था, 2008। यस, तब से मेरी गाड़ी फिर चल रही है। 2000 आते ही स्टार्ट कर दिया था मैंने बढ़ाना। अच्छा, दैट्स हाउ द आर्टन्स आर्ट एकेडमी हैपन। यस, ओके। तो अभी आपके इंस्टीट्यूट के अंदर कौन कौन से कोर्सेज के लिए आप प्रिपेयर कराते हैं? सर, कोर्स से पहले मैं ये बात करना चाहूँगा कि एक्चुअली मुझे लगता है बच्चों को इन सब्जेक्ट के बारे में अवेयरनेस का इशू है। तो मेरा जो इंस्टीट्यूट है वो बेसिकली डिज़ाइन, आर्किटेक्चर और फाइन आर्ट्स, इन तीन कैटेगरी को डील करते हैं हम लोग। ओके, अगर कोई बच्चा है जिसको डिज़ाइनिंग में करियर बनाना है, डिज़ाइन मतलब अगर उसे एनिमेशन डिज़ाइन में जाना है, प्रोडक्ट्स में जाना है, फाइन आर्ट्स में जाना है, इंटीरियर में जाना है, तो वो डिज़ाइन सब्जेक्ट ऑप्ट कर सकता है। और डिज़ाइनिंग के कॉलेजेस भी होते हैं, किसी को आर्किटेक्चर में जाना है तो आर्किटेक्चर कर सकता है, किसी को फाइन आर्ट्स में जाना है तो फाइन आर्ट्स में कर सकता है। तो मेरे पास तीन अलग अलग स्ट्रीम्स हैं जहाँ बच्चा अपना करियर बना सकता है। तो मैं उन कॉलेजेस की, इंडिया और इंडिया के साथ अब्रॉड के कॉलेजेस के भी हम लोग एंट्रेंस के प्रिपरेशन कराते हैं। ओके, तो बच्चा मेरे पास इन चीज़ों के लिए आता है। ओके, यस। तो जैसे आपने बताया तीन कैटेगरीज के अंदर आप प्रिपरेशन करवा रहे हैं, तो कौन कौन से, जैसे डिज़ाइन की बात करते हैं, स्टार्टिंग डिज़ाइन से करते हैं क्योंकि मेरा भी थोड़ा बहुत बैकग्राउंड रहा है डिज़ाइन के अंदर और मैं बेसिक नॉलेज रखता हूँ। तो डिज़ाइन के अंदर जो बच्चा जा रहा है उसको हार्डकोर सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइन की प्रिपरेशन जा रही है, या फिर वो अपने एनिमेशंस की साइड जा रहा है, या विजुअल इफेक्ट्स की साइड जा रहा है, किस साइड पे जा सकता है? आपके पास जो बच्चा आ रहा है उसको कहाँ कहाँ पे ट्रेनिंग? देखिए, मोर देन 40 कोर्सेज होते हैं जहाँ बच्चा अपना करियर बना सकता है। सिर्फ डिज़ाइन के अंदर? सिर्फ डिज़ाइन के अंदर 40 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। अच्छा, जिसमें आप मोटा मोटा का सब्जेक्ट मैं आपको बताऊँ तो फैशन डिज़ाइनिंग है, इंटीरियर डिज़ाइनिंग है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग है, एनिमेशन है, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग है, ऐसे मोटे मोटे कह लो 10-12 कोर्सेज ऐसे हैं जो बहुत हाईलाइटेड है। लेकिन बहुत सारे कोर्सेज लोगों को पता ही नहीं है, और वो इसलिए नहीं पता बिकॉज उन्होंने कभी सोचा ही नहीं और ना उन्होंने खोजा है। अब एक कोर्स है, यूनिवर्सल कोर्स का नाम है, ये लोगों को नहीं पता कि ये कोई कोर्स है डिज़ाइनिंग। यूनिवर्सल? अच्छा, यूनिवर्सल एक डिज़ाइन कोर्स है। ओके, एक नया लेटेस्ट सब्जेक्ट है जो कि जनरली अभी लोगों को सुना है लेकिन पता नहीं है। यूआई यूएक्स सब्जेक्ट है, यूजर इंटरफेस और एक्सपीरियंस डिज़ाइन। अब एक 12th स्टैंडर्ड के बच्चे को अपने एकेडमिक, स्कूल और ट्यूशन के अलावा फुर्सत नहीं मिल रही जो ये ढूंढेगा कि ये कोई सब्जेक्ट है जहाँ करियर बना सकते हैं, बनाया जा सकता है। अब बेसिकली छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जब कोविड हुआ तो हमारे पास सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जरूरत पड़ी लैपटॉप की, फिर हमने यूज़ करा जूम, जिस पर हम क्लास लिया करते थे। वो जूम का जो इंटरफेस होता है वो उस कोर्स से होकर गुजरता है, मतलब जिसने उसको डिज़ाइन किया उसका इंटरफेस, वो एक कोर्स का नाम, वो एक कोर्स का नाम। अब आने वाले टाइम में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ चुका है, डिजिटलाइजेशन हो रहा है, फ़ोन में सब कुछ आ रहा है, तो मुझे लगता है कि यही ज़िंदगी है, यही लाइफ होने वाली है, तो ये बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिस पे लोग ध्यान नहीं दे रहे। अभी आपने AI का नाम लिया। अच्छा, है ना, मैं थोड़ा सा इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करना चाहूँगा। आपको क्या लग रहा है कि AI का क्या रोल होने वाला है डिज़ाइन इंडस्ट्री के अंदर? आई एम टॉकिंग अबाउट हार्ड कोर डिज़ाइन इंडस्ट्री, ओनली फॉर डिज़ाइन क्या? हाँ, आप मैं सिर्फ डिज़ाइन की बात कर रहा हूँ, भले ही वो UI UX आ गया, हमारा वो कम्युनिकेशन डिज़ाइन आ गया, विजुअल डिज़ाइन आ गया, हार्ड कोर डिज़ाइन से रिलेटेड बात करने पे। सर, अगर हम बात करें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है आगे जाने वाले में। मतलब अब मैं इन शॉर्ट आपको बताऊँगा, रिमोट, आप मान लीजिए रोबोट है, अगर इंसान चलता फिरता है तो उसको काम करने के लिए एक ब्रेन की ज़रूरत पड़ती है। एक रोबोट बना दिया, उसके अंदर उन्होंने चीज़ें रिकॉर्ड करके और उसमें एक दिमाग बिल्टअप कर दिया ताकि वो सोचने की क्षमता रखता है थोड़ी बहुत। इसी तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये कि उसके अंदर कुछ डेटा फीड किया गया जिसके बेसिस वो एनालाइज करता है, लेकिन वो ऑटोमेटिक होता है। तो डिज़ाइनिंग के करियर के अंदर अगर बात करें, जैसे मेरे बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा कि सर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीख रहे हैं लेकिन इन फ्यूचर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये सब बना देता है। ये दैट इज माय क्वेश्चन कि फोटोशॉप में आपने एक प्रॉम्प्ट डाला और वो बन गया आपको। तो मेरे स्टूडेंट आके पूछते हैं सर अगर ना ये हो जाएगा तो हमारा, अगर हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग करेंगे तो करियर चौपट हो जाएगा हमारा। मैंने बेटा एक्चुअली देखा, ध्यान रखना कि मशीन को इंसान ने बनाया है, मशीन मतलब आप समझ रहे हो, मशीन ने इंसान को नहीं बनाया, इंसान ने मशीन को बनाया। दैट इज, तो वही कहना चाह रहा था कि अगर मान लीजिए कि AI एक इंसान नहीं बनाया, तो एक इंसान जानता है कि मुझे उसमें कितनी चीज़ें डालनी है और कितनी नहीं डालनी है। अब मान लीजिए कोई ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो अभी लाइफ इतनी फास्ट हो गई है कि पहले ज़माने के जो ग्राफिक डिज़ाइनर होते थे उनको काम करने में 6 से 8 घंटे लगते थे काम करने में, फिर थोड़ा मॉडिफिकेशन आया वही काम 4 घंटे में हो गया, वही काम 2 घंटे में हो गया। Definitely. अब समय की वैल्यू ज़्यादा है, तो ग्राफिक डिज़ाइनर मैनुअल लेबर वर्क नहीं करेगा, डिजिटली स्मार्ट वर्क करेगा विद द हेल्प ऑफ AI, और फिर वो काम फास्ट हो जाएगा।
तो जब छोटे मोटे काम जो फोटोशॉप इसमें करा जाते हैं वो अब एआई कर लेगा, तो हमारा काम कंपाइलिंग करने का रहेगा, ग्राफिक डिजाइनिंग का, लेकिन विदाउट ग्राफिक डिजाइनर उसको हैंडल नहीं किया जा सकता ओके एआई को। तो अगर कोई ग्राफिक डिजाइनर है तो ही उसे हैंडल कर सकता है, या फिर जिस भी कैटेगरी के अंदर जो एआई आता है वो उसको ऑपरेशनल अगर लेकर आता है तो वही कर पाएगा जो पर्टिकुलर उसकी उस फील्ड का एक्सपर्ट है। अभी ऐसे कोई, अब जैसे हम लोग वीडियोस की फील्ड में ज़्यादा काम करते हैं, मैं पर्टिकुलरली वीडियोस में ज़्यादा डील करता हूँ, तो वी नो दैट कि ऑडियो और वीडियोस में बहुत काम हो रहा है एआई का, ठीक है। अभी आपने ग्राफिक्स में बताया भाई फोटोशॉप हम लोग यूज़ करते हैं तो उसमें हमें पता है कि एक प्रॉम्प्ट डालते हैं और वो पर्टिकुलर उस तरीके का वो सीन हमारे को रेफरेंस देता है, दो से तीन रेफरेंसेस देता है, दैट हम लोग उसमें से कोई एक चूज़ कर सकते हैं। इस तरीके की चीज़ें इंटीरियर डिज़ाइनिंग में या फैशन डिज़ाइनिंग के अंदर भी एआई इन्वॉल्व आया है अभी तक? आपने कहीं उसके यूजेस देखे हैं क्या इस तरीके की चीज़? ऑफ कोर्स आया है। देखिए अगर एक स्ट्रीम के अंदर पर्टिकुलर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन होता है तो डेफिनेटली दूसरी जगह भी होगा, क्योंकि हर इंसान चाहता है कि मेरी स्ट्रीम भी डेवलप होनी चाहिए। इंटीरियर के अंदर ये आ चुका है कि अगर मान लीजिए आपके कोई वेकेंट स्पेस है उसके आपने पिक्चर क्लिक करी है और आपने एक प्रॉम्प्ट डाला और वो आपको बना के दे देगा, लेकिन वो उसको डिज़ाइन कर देगा, लेकिन आपकी पॉकेट 50,000 की है तो 50,000 के अंदर अकॉर्डिंग नहीं बना पाएगा। तो एआई क्या करता है, उसके पास जो डेटा होगा उस डेटा को रिसर्च करके उस जगह पे जो फिट हो सकता है उसको फिट कर देगा, उसको फिट कर, लेकिन वो ये एनालाइज नहीं कर सकता कि आपका बजट 50,000 का है और उसके अकॉर्डिंग ये मुझे रूम डिज़ाइन करना है। तो कोई ऐसा पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर का आप कुछ रेफरेंस दे सकते हैं क्या? सर देखिए, अगर इंटीरियर डिजाइनिंग वाला जो लोग यूज़ करते हैं वो 3D Max यूज़ करते हैं, ऑटोकैड यूज़ करते हैं, अभी फिलहाल ये चल रहा है, लेकिन ऑटोकैड भी एआई पे आ चुका है। अब तो एआई आ चुका है ऑटोकैड के अंदर, एआई इंट्रोड्यूस हो गया। यस, और अभी एक्चुअली हम लोग एक स्मार्टफोन यूज़ करते हैं अपने, अब एप्पल के फ़ोन सभी के पास है, सबको ये पता है 3 कैमराज होते हैं, एक फ्लैश लाइट है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि नीचे जो एक चीज़ है वो क्या है, इसे लिडार कहते हैं। ये लिडार ज़्यादातर 3D सॉफ्टवेयर यूजबल जो होते हैं उनके लिए होता है। आप एक रूम का स्ट्रक्चर से शूट प्रोजेक्शन मैपिंग की बात कर रहे हैं डायरेक्टली, यस है ना, तो ये पूरा 3D में ले लेता है और वो सॉफ्टवेयर के अंदर ले लेता है, ये भी आपका एआई हो गया। एआई तो अब जैसे हमने बात करा एआई का, आपने मेरे को बताया इंडिया में अगर किसी भी स्टूडेंट को इस तरीके की फील्ड में करियर बना रहे हैं तो कौन कौन से ऐसे कॉलेजेस हैं जो इंडिया में हैं, आप थोड़ा सा डिटेल शेयर कर सकते हैं उसके लिए? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने ये, लेकिन मैं स्पेशली इसके थ्रू ये बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी कॉलेज को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ कि आप अपना खुद का रिसर्च कीजिएगा, देन यू कैन जज। मैं अपने बेसिस में अकॉर्डिंग टू मी और माई अकेडमी जो मुझे लगता है कि अच्छे कॉलेजेस हैं, पहले तो मैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की बात करूँगा, जिसमें आपका NID है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन अहमदाबाद, ये इसका मेन सेंटर वहीं पर है और ये हमारे इंडिया का पहला डिज़ाइन इंस्टीट्यूट है जिसको जवाहरलाल नेहरू जी ने स्थापित किया था। अच्छा, और लोगों को ये नहीं पता कि देश आज़ाद हुआ, अब आज़ादी के बाद लोगों के पास कपड़े पहनने का सलीका नहीं था, कपड़े लपेट लेते थे, और जो कि जवाहरलाल नेहरू जी हैं, महात्मा गांधी जी हैं, ये बैरिस्टर थे, ये बाहर जा चुके हैं, इन्होंने कहा यार वहाँ लोग सलीके से कपड़े पहन रहे हैं, हम कैसे भी कपड़े पहन रहे हैं, तो इन्होंने कहा एक हमें ऐसा संस्थान खोलनी है जहाँ ये बताया जाएगा कपड़ा कैसे बनना चाहिए, कपड़ा कैसे पहनना चाहिए। तो ये इसमें ये विक्रम भाई साराभाई का भी इन्वॉल्वमेंट रहा है, क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, मैंने अभी थोड़े टाइम पहले वेब सीरीज देखी थी, मैं भी प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सीरीज देखी है ना रॉकेट बॉयज, और उसमें विक्रम साराभाई की अहमदाबाद में ही वो रेसिडेंस था उनका प्रॉपर, और उनका एक क्लॉथ मिल था वहाँ पे, कुछ ऐसा बिजनेस था उनके फादर का, तो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ क्या उनका भी इन्वॉल्वमेंट था क्या आपके नॉलेज में ऐसा कुछ? एग्जैक्टली तो नहीं बता सकता, लेकिन हाँ मुझे लगता है, देखिए गुजरात एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग है, और महात्मा गांधी जी वहाँ से बिलोंग करते थे, कपड़ा बनना वहाँ से स्टार्ट हुआ था, सब कुछ कहानी वहीं से स्टार्ट हुई थी, तो ऑफकोर्स हो सकता है कि वहीं से कुछ कनेक्शन हो, लेकिन इतना श्योर तो नहीं हूँ मैं, लेकिन मुझे क्या लगता है आप कह रहे हैं तो ऑफकोर्स हो सकता है, मेरे को भी पता नहीं, मैं भी अज्यूम कर रहा हूँ बस कि भाई शायद मैं वो लिंक्स कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ अभी आपके साथ। हाँ मैं इस बात को कंटिन्यू करना चाहूँगा, जो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन है ये इतना बड़ा कॉलेज है कि यहाँ के बच्चे ऑस्कर मूवी तक चले जाते हैं, इनकी पिक्चर जो शॉर्ट मूवी होती है ऑस्कर नॉमिनेट हो जाती है। अच्छा, यस और यहाँ के बच्चे, लास्ट ईयर एक स्टूडेंट है जिसको नेशनल अवार्ड मिला है हमारे प्रेसिडेंट से, और बहुत बड़े लेवल पर है, तकरीबन 15,000 से 20,000 बच्चे हर साल बैठते हैं यहाँ पर, और आप मान के चलिए हर सब्जेक्ट में कम से कम 100 के आसपास बच्चे सेलेक्ट होता है, और उसमें ST ST OBC NRI वगैरह सब शामिल है। तो ये 100 बच्चों ऑल ओवर द इंडिया के अंदर से सेलेक्ट की जाती है, NID के अंदर।
और एक कॉलेज ऐसे NID का अपने कितने कैंपस हैं इंडिया के अंदर? तकरीबन 8 कैंपस हैं, लेकिन उसमें PG और UG शामिल है। तो ये मेनली अगर बात करें 7 कैंपस की बात करूँगा, क्योंकि इसमें कई कैंपस के अंदर सिर्फ PG होता है, तो टोटल NID के 7 कैंपस हैं। अच्छा, उसमें से कई कॉलेज ऐसे हैं जिसमें सिर्फ PG के लिए आप स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। और यार लकीली इस बार मेरे यहाँ से PG के 3-4 बच्चे क्वालिफाई हैं, जिसमें एक बच्चे की ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक इस बार हमने निकाली। अरे कांग्रेचुलेशंस। और एक फोर्थ है और एक और फोर्थ है। अच्छा, यस। तो एक चीज़ ये है कि अगर बच्चा सेलेक्ट हुआ, NID के अंदर सेलेक्ट जाता है, ठीक है, कई लोगों को ये भी कन्फ्यूजन होता है, लोगों ने नाम सुना है NSD का भी नाम सुना है। NSD और NID ये दो अलग अलग एंटिटीज हैं, है ना। तो NID के अंदर अगर बच्चा जा रहा है तो उसने अपना ग्रेजुएशन किया और वो अगर PG के लिए जाता है तो ही और हर हैज़ टू फाइट दैट पर्टिकुलर पेपर अगेन। यस, ऑफ कोर्स। उसको पहले UG कंप्लीट करनी पड़ेगी, देन उसके बाद उसको PG का दोबारा एंट्रेंस देना पड़ेगा, और उसके बाद वो PG के लिए। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि आपने UG कंप्लीट करी तो आपको मिल जाएगा, आपको दोबारा एंट्रेंस देना पड़ेगा PG के लिए। ओके। और अभी हम कॉलेजेस के लिस्ट की बात कर रहे थे, तो आपने नेक्स्ट मैं आपको नहीं बताऊंगा। अगर फैशन सब्जेक्ट की बात की जाए कि इंडिया में अब फैशन बहुत अच्छा हो चुका है, बहुत बोल्ड हो चुका है, बहुत स्मार्ट हो चुका है, तो उसका पूरा क्रेडिट तो मैं NIFT को नहीं दूंगा, लेकिन वो बहुत बड़ा रोल अदा करता है इंडिया में, जिसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ, अगर किसी बच्चे को IIT करना है, मतलब BTech करने जाना है, तो IIT जाएगा। किसी बच्चे को फैशन टेक्नोलॉजी करने जाना है तो वो निफ्ट में आता है। इंजीनियरिंग का ही पार्ट है ये। कपड़ा कैसे बनता है, कपड़े की मशीन कैसे बनती है, मशीन का क्या वर्किंग प्रोसेस होना चाहिए, निफ्ट में सिखाया जाता है। डिज़ाइन और कलर्स के अलावा टेक्नोलॉजी को भी इतना इंडिपेंडेंट, और ये लोगों को नहीं पता है कि अगर कोई बच्चा, अगर किसी बच्चे को इंजीनियरिंग करनी है तो क्या करेगा, वो BTech एग्जाम देगा, ऑब्वियसली मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सिविल, पेट्रोकेमिकल्स, व्हाटएवर, जो रोबोटिक्स वगैरह, जो भी इनके टोटल ब्रांचेस होते हैं, उसमें से एक ब्रांच आप निकाल दिए BFTech, बैचलर इन फैशन टेक्नोलॉजी। अब स्पेशली इन्होंने ये कोर्स अलग से इंट्रोड्यूस इसलिए किया क्योंकि अगर कोई बच्चा IIT में पढ़ रहा है तो मशीन के बारे में नॉलेज है उसको, फैशन की नॉलेज नहीं है। तो उन्होंने सोचा कि जो मशीन बनाएगा या जो मशीन में डील करेगा उसको फैशन के कैंपस में होना ज़रूरी है। इसीलिए उन्होंने कोर्स इंट्रोड्यूस किया BFTech। अगर कोई बच्चा, ये मैसेज मैं देना चाहता हूँ कि बच्चा इंजीनियरिंग में जाना चाहता है और अगर उसे लग रहा है कि मैं इधर कॉलेज नहीं मिल रहा या मुझे टफ हो रहा है, तो आप निफ की तरफ मूव कर सकते हैं, वहाँ भी इंजीनियरिंग आपके लिए इंतज़ार कर रही है। तो एक चीज़ और मैंने हम इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे, एक चीज़ और मैंने देखी थी, IIT मुंबई के अंदर, मुंबई के अंदर भी एक कोर्स है। यस yes। जो डिज़ाइन से रिलेटेड है, बहुत, और बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में आइडिया है, तो वो इससे अलग है। सर आपको एक चीज़ बताता हूँ, हमारे यहाँ एक होड़ है IIT, लेकिन भाई IIT के पीछे क्यों भाग रहे हो BTech के लिए? IIT दूसरी तरह से भी जा सकते हैं, लेकिन इन लोगों को पता नहीं है। मैं आपको IIT ले जाता हूँ अलग तरीके से। अभी लास्ट 6 ईयर से IIT UG के एग्ज़ाम कराता है, जिसको नाम बोलते हैं UCED, अंडर ग्रेजुएट कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर डिज़ाइन। ओके। लेकिन लोगों को पता नहीं है कि वो 20 साल से एग्ज़ाम करा रहा है सीड के नाम से PG के लिए, कि अगर आपने UG कर रखा है, मतलब पहले से IIT डिज़ाइन करा रहा है, लेकिन लोगों को पता नहीं है 20 साल से या उससे पहले से करा रहा है। अब उसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ। एक ऑटोमोबाइल इंजीनियर है जो कि गाड़ी के इंजन बनाएगा या अदर पार्ट्स बनाएगा, लेकिन गाड़ी को खूबसूरत बनाएगा ऑटोमोबाइल डिज़ाइनर डेफिनेटली बनाएगा। और कार तो बहुत पहले से बनते आ रही है, तो मतलब डिज़ाइनर पहले से होंगे ऑफकोर्स। तो वो डिज़ाइनर कहाँ होंगे? वो IIT में हुआ करते हैं और हुआ करते थे, लेकिन हमें पता नहीं था उसके बारे में। तो पोस्ट ग्रेजुएट डिज़ाइनिंग IIT पहले से करा रहा है। ओके। और लास्ट 6 ईयर से उसने UG भी स्टार्ट कर दिया। ओके। 200 सीटें तकरीबन 4 IIT के अंदर। कौन कौन सी IIT हैं ये? IIT बॉम्बे, IIT हैदराबाद, दिल्ली, रुड़की, इनमें आपके 200 सीटें हैं, जिसमें SC ST OBC सब मिला के वो तो गवर्नमेंट। तो तकरीबन 15 सीट मिलती है जनरल के आसपास, एक कॉलेज के लिए, जनरल कैटेगरी को एक कॉलेज में। लेकिन आप ये सोच के चलिए कि 20,000 बच्चा बैठ रहा है और 200 सीट है, और एक सब्जेक्ट को पढ़ाने के लिए तकरीबन 9 बच्चे होंगे और 4 साल बच्चा पढ़ेगा एक कैंपस में। मतलब आप पढ़ाई का लेवल देख लीजिए, क्या लेवल पे जा रहा है ये। तो मैं खुद भी एक बार IIT पवई मेरा जाना हुआ था, मेरी कज़न वहाँ से MSc PhD कर रही थी, और वो एक दिन ने है ना, मतलब मेरे थॉट प्रोसेस को बहुत चेंज कर दिया, बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। मेरे को आइडिया भी नहीं था कि IIT के अंदर ये सारी चीज़ें भी होती हैं।
हमें सिर्फ जनरली लोगों को ये पता होता है कि IIT जाते हैं तो सिर्फ पढ़ाई होती है, वहाँ बच्चे का सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल ग्रोइंग नहीं हो रही, वो ओवरऑल ग्रोथ मिलती है उसको हर सेक्टर में, अगर वो म्यूज़िक में है तो, अगर वो स्पोर्ट्स में है तो, अगर वो कल्चरल में है तो। एजुकेशन तो जो है वो तो है ही सही, वो तो प्राइमरी है, बट इतने सारे एक्सपेक्ट उसको अलग अलग मिलते हैं, और ये चीज़ें अबव द इमेजिनेशन है। मतलब मेरे को ये था कि उसके बाद मुझे पता लगा था कि FTI, जैसे आपने अभी बताया ना 15 सीट मिलती हैं जनरल कैटेगरी में बच्चे को, ऐसे ही एक इंस्टीट्यूट है FTI है, आपने डेफिनेटली उसका नाम सुना होगा, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, पुणे के अंदर इसका कैंपस है, वहाँ सिर्फ होती 15 सीट है। आई नो। और वो क्वालिफाई आप बैचलर्स के बाद ही कर सकते हो। yes. तो जैसे बहुत सारे हमारे एक्टर्स डायरेक्टर्स वहाँ से निकले हुए, रिसेंटली में तो राजकुमार राव, ही इज ग्रेजुएटेड फ्रॉम देयर ओनली, उन्होंने अपना एक्टिंग की ट्रेनिंग वहीं से ली है, तो 3 साल का पूरा कोर्स रहता है। और कोटा में भी एक पर्सन है जिनको मैं जानता हूँ। अच्छा। हाँ, वहाँ से पास आउट, वहाँ से पास आउट, एक कोर्स और होता है उनका जो 1 साल का डिप्लोमा होता है। अच्छा, ओके। सर्वेश सिंह हाड़ा नाम है उनका, वो फिल्म मेकर है, 1 साल का डायरेक्शन का कोर्स उनने वहीं से किया हुआ है। वाओ। ये मुझे अभी रिसेंटली में थोड़े टाइम पहले पता लगा जब मेरा उनसे कॉन्टैक्ट हुआ। ऐसे हमारे बहुत सारे स्टार्स घूम रहे कोटा के, कोटा के अंदर ऐसे लोग भी हैं। तो अवेयरनेस का जो वो है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इसी के लिए मैंने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि सर एक बार अरे अपन बैठते हैं, तो मेरे को भी डिज़ाइन फील्ड के अंदर इंटरेस्ट है, मेरे लिए भी नॉलेज गेन होगी, और जो मेरे साथ के लोग हैं और जो इस तरीके की चीज़ों में प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी एक अच्छा कम्युनिकेशन रहेगा। चलो एक्चुअली क्या, मुझे एक ही इंटेंशन है कि मुझे कोटा के लिए कुछ करना है, और मैं शुरू से सोचता रहा कि कैसे करूँ कैसे करूँ, क्योंकि हर एक शहर की कोई ना कोई आइडेंटिटी होती है जो उसे डेवलप करता है, और मैं शुरू से सोचा था कि यार अपने शहर को अपन नहीं बसाएंगे तो कौन बसाएगा, अगर हमारे शहर की तारीफ हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन। हर इंसान ये बुराई, मतलब बुराई एक्चुअली देखा जाए तो यार हम फलाना फलाना शहर, तुम वहाँ गए थे, तुम दिल्ली गए, बॉम्बे गए, ये गए, मैं चाहता हूँ लोग बोले तुम कोटा गए। ये तो बोलते ही हैं, बट ऐसा नहीं है कि लोग ये नहीं बोल रहे हैं, कोटा तो मतलब वर्ल्ड फेमस है, अब तो वर्ल्ड फेमस हो गया, डेफिनेटली वर्ल्ड फेमस है, थैंक्स टू कोचिंग इंस्टीट्यूट हमारे कोटा में जो है। कोचिंग इंस्टीट्यूट के अलावा मैं हमारे यहाँ के जो फेमस पॉलिटिशियंस हैं, मैं हमारे ओम बिरला जी लोकसभा स्पीकर हैं जिन्होंने तो बहुत नाम कमाया हमारे शहर का, और हमारे पर्सनली स्टेट का भी नाम रोशन करा है, तो ऐसे बहुत बड़े दिग्गज लोग हैं जिन्होंने कोटा को बहुत कुछ दिया है, बहुत सारे लोग, धारीवाल जी हैं जिन्होंने बहुत सारे मोमेंट्स बना दिए। आज आप कोटा को देखो तो मतलब बिल्कुल चेंज हो चुका, बहुत चेंज, बहुत चेंज, और हम कोटा के लिए इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि बिकॉज वी बिलोंग फ्रॉम कोटा, हमारा होम टाउन, हम प्यार करते हैं जो भी है कोटा की वजह से, तो थैंक यू कोटा। यस, थैंक यू सो मच, है ना। अब वापस हम हमारे टॉपिक पे आते हैं। यस यस, कि हमारा NIFT हो गया, यस NID हो गया, हमने FTI भी कवर कर लिया इसके साथ। नेक्स्ट क्या, ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर मैं कॉलेज के, हम लोग IIT भी ले चुके हैं इसमें, हाँ क्या IIT भी हमारा फोर्थ, हाँ। अब क्या है, बहुत सारे कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज में क्या होता है, जैसे NIFT जो है सेंट्रलाइज कॉलेज है, मतलब सेंट्रलाइज बेस्ड है, ये टेक्सटाइल डिपार्टमेंट्स के अंडर में आता है, NID भी सेमी गवर्नमेंट है क्योंकि वो स्टेट कंट्रोल में आता है, IIT के कंट्रोल में आता है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बहुत कम है एक्चुअली। और मैं आपके पॉडकास्ट के थ्रू या जैसे भी मुझे माध्यम मिलता है, मैं गवर्नमेंट से कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप डिज़ाइन को सपोर्ट करिए, जैसे आपने IIT जैसे बड़े कॉलेज खोले हैं, IIT में डिज़ाइन इंट्रोड्यूस करिए, ऐसे आप ओपन करिए, क्योंकि अब हमारा इंडिया वो इंडिया नहीं रहा है, बहुत फास्टेस्ट है, और यंगस्टर स्पेशली बहुत वर्क कर रहे हैं इस पर, डेफिनेटली यूट्यूब, अभी रिसेंटली हमारे नरेंद्र मोदी जी ने यूट्यूबर को सम्मानित किया, सल्यूट, मजा आ गया, ऐसा बहुत अनइमेजिनेबल थिंग थी, वो बहुत अच्छा था। तो यंगस्टर अभी छोटे छोटे बच्चे एंटरप्रेन्योर बन रहे हैं, कोई बिजनेस चालू कर रहा है, अभी रिसेंटली कल परसों में कोई बच्चे की वीडियो देख रहा था, वो पता नहीं कुछ ठेला लगा के कुछ सेल कर रहा था, बना रहा था कुछ, तो मतलब यूथ बहुत स्पीड से आगे आ रहा है। तो मुझे ये मेरा स्पेशली रिक्वेस्ट है कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन ओपन की जाए, सरकारी गवर्नमेंट, जिसमें फीस स्ट्रक्चर कम हो, क्योंकि हमारे सुंदर हिंदुस्तान में इकोनॉमिकल एक बहुत बड़ी समस्या, बहुत बड़ा टॉपिक, बहुत बड़ा, हाँ, उससे बच्चा, बहुत टैलेंटेड लोग पता नहीं कहाँ बैठे हैं, उनको बाहर आना चाहिए, तो ज़रूरत है उनको ज़रूरत, और इन कॉलेजेस के फीस बहुत ज़्यादा होती है। हाँ सर, ये गवर्नमेंट है, इनकी फीस ठीक है, मान लीजिए एक मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकता है, लेकिन प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बहुत ज़्यादा होती है। अच्छा, मैं एग्जैक्ट फीस तो नहीं बोलूँगा, बट ना मैं पूछूँगा उसके लिए,
फॉर एन एग्जाम्पल, अभी आपने एक बात बोली कि बहुत ज़्यादा होती है प्राइवेट कॉलेजेस की फ़ीस, और कई ऐसे हमारे साथ के कलीग्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, फैमिली मेम्बर्स होते हैं, एक्स वाई जेड कोई भी है, फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं है या उतना ग्रोन अप नहीं है कि वो ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस को अफोर्ड कर सकता है. एक बार को तो आपको हमको भी सोचना पड़ेगा इस तरीके के कॉलेजेस के अंदर, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस रहा है इस तरीके का. मैं 2012 में विस्लिंग बोर्ड्स गया था. अच्छा. हाँ, सिनेमाटोग्राफी के कोर्स के लिए. मतलब आप भी पागल रह चुके हैं. हाँ सर, मैं आज भी पागल हूँ है ना. मैं तो उस समय मैं उस फीस को अफोर्ड नहीं कर पाया, और लैक ऑफ नॉलेज की वजह से मुझे ये नहीं पता था कि NID जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं, FTII जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं. ये सारी चीज़ें मुझे पता लगी 23-24 साल की एज में. मेरी एज जा चुकी. तो एक ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक मिलता है हम जैसे लोगों को. तो ये पॉडकास्ट इसलिए भी मैं कर रहा हूँ कि जो एक नॉर्मल मेरे जैसे लोग हैं या मेरे फ्रेंड्स हैं या मेरी जो सोसाइटी के आसपास के वाले लोग हैं, उन सब लोगों को अवेयरनेस मिले कि यार सिर्फ और सिर्फ करियर IIT मेडिकल CA CS, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी फेस करी अपने टाइम में. भाई बच्चे ने मैथ साइंस लिया तो इंजीनियर, बायो लिया तो डॉक्टर, कॉमर्स लिए तो CA, और आर्ट्स वाले तो मतलब उनको तो निग्लेक्ट ही कर देते हैं. जबकि अब जब हम मैच्योर हुए हैं आर्ट्स के अंदर, हमें पता लग रहा है कि करियर क्या होता है. हमें पता ही नहीं था. मैं आज बहुत सारे लोगों को फॉलो करता हूँ ऑनलाइन, तो मैं सौरभ द्विवेदी जी को बहुत एडमायर करता हूँ. मतलब उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है ना, वो जिस हम लोग हिंदी को भी बहुत डिग्रेड करा है एक टाइम पे, तो अब जब मैं उनकी हिंदी सुनता हूँ ना, तो मुझे लगता है यार ऐसी हिंदी कहाँ सिखाते हैं, ऐसा बोलना कहाँ से. हमारी मदर टंग है ना, जबकि हमारी मदर टंग है, हम उसको भी नहीं बोल पाते प्रॉपरली जिस तरीके में वो बोल रहे हैं. तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत लैक करी. तो मैं चाहता हूँ कि जो अपकमिंग जनरेशन है, चलो हमारा तो ठीक, जो अपकमिंग जनरेशन है वो कैसे ग्रो करे उसके लिए. और उसमें भी कुछ ऐसे टैलेंटेड बच्चे होते हैं. अब आप पढ़ा रहे हैं तो यू नो दैट कि टैलेंट हर जगह पर है. एक बहुत ग्राउंड लेवल पे भी मिल जाएगा. एक बहुत अच्छा एग्जांपल है यशस्वी जायसवाल, रिंकू सिंह क्रिकेट के अंदर कितना टैलेंटेड है. अब उन्हें प्लेटफॉर्म मिला, उन्हें गाइडेंस मिली, तो वो इतना अच्छा निकल गया. तो हमारी फील्ड के अंदर अगर कोई बच्चा है जो टैलेंटेड है और लैक ऑफ फाइनेंशियल इश्यूज की वजह से वो कैसे इस तरीके के कॉलेजेस के अंदर जा सकता है, कैसे प्रिपेयर करे वो. सर देखिए, अगर कोई मिडिल क्लास सोसाइटी का बच्चा या क्लास का बच्चा है और वो फाइनेंशियली बहुत वीक है या उससे बिलो है, तो पहले तो मैं बोलता हूँ कि हर एक कॉलेजेस के एंट्रेंस होते हैं. तो मैंने पर्सनली, मैं किसी से आहान करने से अच्छा है कि मैं बस पहले खुद सपोर्ट करूँ. तो मैंने हमारे यहाँ खुद का इंस्टीट्यूट का एक टेस्ट निकाला है. अच्छा. जिसमें हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं, ऐसे बच्चों को सेलेक्ट करते हैं जो फाइनेंशियली वीक है, जिससे हम कोई चार्ज नहीं लेते. सिर्फ वो टेस्ट आपको क्लियर करना होता है. वो भी 100% नहीं करना होता है, उसमें पर्टिकुलर क्राइटेरिया. वो क्लियर करते ही मैं अपनी तरफ से फ्री कर देता हूँ बच्चों को कि भैया आपको मुझे चार्ज नहीं देना, आप आगे बढ़ो, मैं आपके साथ हूँ. सेकेंड ऑप्शन आता है कि अगर बच्चा कॉलेज जाना चाहता है तो कई सारे कॉलेजेस स्कॉलरशिप देते हैं. आपको स्कॉलरशिप क्राइटेरिया में आना पड़ेगा और आपको कॉलेजेस स्कॉलरशिप देते हैं. लेकिन उसके बावजूद भी कॉलेज की फीस इतनी ज़्यादा होती है कि वो अगर कटकुटा के भी हाथ में आती है तो वो बहुत बड़ा अमाउंट होता है. तो ये सब्जेक्ट कॉस्टली क्यों होता है ये मैं आपको समझाता हूँ. मतलब इसके फीस स्ट्रक्चर ज़्यादा क्यों होती है, क्योंकि इन सब्जेक्ट में रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होती है और फैकल्टी की रिक्वायरमेंट होती है. रिसोर्सेज मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा इंटीरियर डिजाइनिंग में जाता है तो 3D प्रिंटर्स, 3D कटर्स, लेजर कटर्स, वुडन स्ट्रक्चर्स है ना, और बहुत सारी चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है जो कॉलेज मटेरियल बहुत ज़्यादा चाहिए. हाँ, और कॉलेज को वो प्रोवाइड करना है, ऑब्वियस बात है. तो इसलिए, और एक्चुअली उनके फैकल्टी बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो वो फैकल्टी मंथली बहुत अच्छी सैलरी चार्ज करते हैं. तो वो दैट्स वाई द रीज़न कॉलेजेस को बच्चों से लेना पड़ता है. तो अगर इसका एक अलग से प्लेटफॉर्म रेडी कर दिया जाए, अगर ऐसे कॉलेजेस जिसमें फंड जो गवर्नमेंट की तरफ से आ जाए या गवर्नमेंट का कॉलेज हो, गवर्नमेंट का कोई ऐसा कॉलेज हो, तो शायद वो बहुत अच्छा हो. या फिर जो अभी करंटली NIDs और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रन कर रही है, इनकी फीस भी, लेकिन मैं पर्सनली बोलूंगा ज्यादा है. मेरे को भी थोड़ा सा आइडिया है, क्योंकि आपके एक स्टूडेंट हैं जो मेरे भी कॉमन है, तो उनसे पता लगता रहता है कि गवर्नमेंट कॉलेजेस की भी फीस काफी है, काफी ज्यादा. तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इसके लिए कुछ करना चाहिए. बट
यानी हमारे पास एक ऑप्शन तो है कि एटलीस्ट प्रिपरेशन के लिए आपका एक जो भी एक सुझाव है मेरा कि जो दो नंबर पैसा पकड़ा जाता है लोगों का, उनसे कुछ हेल्प लेके ऐसे कॉलेज में लगाया जाए ताकि वहाँ वहाँ का बच्चा अगर पास आउट होगा तो शायद वो अच्छा रहेगा। क्योंकि आए दिन हम देख रहे हैं 4,000 करोड़ कहीं पकड़ा गया है, 3,000 करोड़ कहीं पकड़ा गया है, 3,000 करोड़ कितने जीरो लगते हैं ना वो, बहुत सारे 3,000-4,000 करोड़, उसके में से सिर्फ 500 करोड़ निकाल के भी कॉलेज बन जाएगा। और एक और एक आइडिया था मेरे दिमाग में, अगर जो लोग पैसा डोनेट करते हैं उनको टैक्स फ्री कर दो तो वो कॉलेज में फंड आना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आज मान लीजिए मेरे पास एक्स्ट्रा अमाउंट है, मैं उसका GST दे रहा हूँ, मेरे को कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, लेकिन अगर उसी पैसे को मैं कुछ कॉलेज को दान कर देता हूँ तो गवर्नमेंट का पैसा नहीं जा रहा, लेकिन गवर्नमेंट का पैसा रोटेट होकर जाएगा, घूम के जाएगा। एक सिस्टम है, इसको बिल्टअप करना देखो टीम का काम है, मैं एक सजेशन दे रहा हूँ। सो कैसे प्रोसेस में लाना है वो गवर्नमेंट कर सकती है, मतलब किसान है कैसे तरीके से कॉलेज चलाया जा सकता है, कॉलेज चलाया जा सकता ऐसे प्रिविलेज स्टूडेंट्स के लिए। जैसे ललित कला एकेडमी संस्था है एक, अपने बहुत सारे ऐसे एसोसिएशन है, आर्ट गैलरीज है, जहाँ बच्चों को बोला जाता है कि आपको कुछ फंड मिलेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है, वो फंड वहाँ तक पहुँचता नहीं है। ये कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जो बच्चों को हर महीने 3,000 रुपये की स्कॉलरशिप देते हैं पढ़ने के लिए, लेकिन वो फंड बच्चों तक पहुंचता नहीं है, और बच्चा एलिजिबल होना चाहता है तब भी वो एलिजिबल नहीं हो पाता, नहीं हो पाता है, क्योंकि हमारा सिस्टम खराब है। अगर वो सिस्टम अच्छा कर दिया जाए तो मज़ा आ जाएगा। मैं सिस्टम मतलब पॉलिटिकल नहीं बोल रहा हूँ, सिस्टम मतलब कहीं का भी सिस्टम हो सकता है, कहीं ना कहीं वो लूप होल्स है, बस वो लूप होल्स को हैक करने की, मैं किसी को भी चैलेंज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखिए हमारे पास जो चीज़ें आती हैं, हम कोई CBI में नहीं है जो हमारे पास एक अच्छे आंकड़े हों, हम भी सुनी सुनाई बातों पे या देखी दिखाई बातों का बहुत सारी चीज़ें या कुछ अपने एक्सपीरियंसेस। एग्जैक्टली, तो देखिए मैं एक टीचर हूँ और मैं बच्चों के साथ रहता हूँ, उनका दर्द समझता हूँ, समटाइम्स मेरे मुँह से बहुत सारी चीज़ें निकल जाती हैं उनका पर्सनली दुख, क्योंकि बिहार साइड से बच्चे बहुत सारे आते हैं और आपको ये नहीं पता बहुत टैलेंटेड बच्चे होते हैं, उनकी मैथ्स बहुत ज़्यादा फाड़ होती है, बहुत ज़बरदस्त। एक स्टूडेंट आती है मेरे यहाँ पे, उसका नाम नहीं बताऊँगा आपको मैं, वो बच्चा बिहार से होता है, वो 2-3 साल से नीट वगैरह प्रिपरेशन कर रही होती है, तो वो उसका नहीं होता है, क्योंकि देखिए मैं उसका मन नहीं था एक्चुअली, उसका इंटरेस्ट का सब्जेक्ट नहीं है। मुझसे आके बोलते कि सर मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे पापा अलाउ नहीं करेंगे, तो वो मेरे से 2 दिन से बोलते कि सर आप पापा से बात कर लेंगे। मैं उसके पापा को टेलीफोनिकली बात करता हूँ, उसके पापा बोलते हैं कि सर अगर हमने हमारे बच्चे को फैशन डिज़ाइनिंग करा ना तो हमको समाज से बाहर निकाल देंगे। ये भी एक पॉइंट है जो सर समाज से बाहर निकाल देंगे, ये एक की सोच है। एक की सोच ये कि बच्चे को अगर फैशन में भेजेंगे बच्चे छोटे कपड़े पहनेगा, ठीक है। एक की ये सोच है कि जो टीवी में आजकल दिख रहा है बच्चे क्या करेंगे। सर ये आप प्रेडिक्शंस कर रहे हैं, आपके बच्चे को इतनी शिक्षा तो दिया आपने कि वो नहीं जाएगा ऐसी जगह, बहुत लेट पता लगता है स्टूडेंट को। तो जब इन चीज़ों के लिए अब आप जैसे कंपनीज जो हैं या आप जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो किस तरीके से एफर्ट्स डाल रही हैं इसमें आगे? सो मैं तो एक्चुअली क्या बच्चों के तो जैसे रीच करना चाहूँ पूरा ट्राई करता हूँ। मैं स्कूलों में जाके बात करता हूँ, टीचर्स में सेमिनार वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूँ, मैं जहाँ भी बच्चा मेरे को क्वेरी करता है उसकी ब्रॉडकास्टिंग करता हूँ, मैसेजेस करता हूँ उसको कि भैया फलाना फलाना जगह आप क्लास आ सकते हो। कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं करता मैं, अगर बच्चा मेरे ज्वाइन करे या ना करे मैं उसको सारी चीज़ें इन्फॉर्म करता रहता हूँ कि ये फलाना कोई एग्ज़ाम हो रहा है, ये ऐसा वर्कशॉप हो रही है। और मेरे यहाँ जितनी भी वर्कशॉप्स होती हैं वो सारी फ्री ऑफ कॉस्ट होती हैं, कोई भी चार्जेबल नहीं होती है, कोई चार्ज नहीं लेते हम लोग बच्चों से। मैं आता हूँ बिल्कुल बिंदास, आओ मेरे यहाँ पर सीखो समझो जो भी है। मेरे जयपुर सेंटर है वहाँ भी मैंने अभी रिसेंटली बहुत सारी वर्कशॉप की, नॉमिनल बजट में की थी मैंने, हार्डली 300-200 लमसम अमाउंट होता है और 10-15 दिन की वर्कशॉप्स होती है मेरे यहाँ पे। बड़े बड़े आर्टिस्टों को बुलाया जाता है, कैलीग्राफी आर्टिस्ट आते हैं उनसे वर्कशॉप कराई जाती है, सिखाने के लिए जो जो प्लेटफॉर्म चाहिए बच्चों को प्रोवाइड करता हूँ। मेरे यहाँ अगर कोई बच्चा आता है पर्टिकुलर कोई आर्किटेक्चर एग्जाम के लिए आता है या डिज़ाइन एंट्रेंस के लिए आता है, पहले बोलता हूँ कि आप मेरे यहाँ ज्वाइन मत करो, आप पहले मेरे यहाँ डेमो क्लास लो, आप पहले समझो, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि मैं पढ़ नहीं सकता तो मैं डिज़ाइन की तरफ मूव कर लेता हूँ, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आप पढ़ नहीं सकते इसका मतलब ये नहीं आप डिज़ाइन लेकर आ रहे हो कि आप कर लोगे। ऐसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, पढ़ना तो इसमें भी पड़ेगा। हाँ नहीं, ऐसा एक छोटा सा एग्जाम्पल है, एक बच्चे ने बोला कि यार मुझे ना इंटीरियर डिज़ाइनिंग करनी है या ग्राफिक्स करनी है, वो किसी इंस्टीट्यूट में चला गया। अब वो इंस्टीट्यूट उसको सॉफ्टवेयर सिखा रहा है, उसने ऑटोकैड सिखा दिया, फोटोशॉप सिखा दिया, उसने 3D Max सिखा दिया, ये उसको सिखा दिया, लेकिन उसको डिज़ाइन थ्योरी नहीं पढ़ाई, उसको प्रिंसिपल्स नहीं पढ़ाए, उसको बहुत सारी चीज़ें नहीं पढ़ाई।
और उस वजह से वो बच्चा क्या करेगा, सिर्फ सॉफ्टवेयर की नॉलेज रखता है, उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि मुझे इतनी स्पेस में इंटीरियर निकालना है. ठीक है, कोई क्लाइंट आया बोला मुझे यार इस तरह का कुछ डिज़ाइन करना है, मुझे मैगजीन डिज़ाइन करनी है. अब वो किसी बड़ी मैगजीन कंपनी के लिए अपना पोर्टफोलियो लगाता है, वो सेलेक्ट नहीं होगा. अब क्योंकि वो ही बोलेगा कि मुझे सॉफ्टवेयर तो आता, मैं सेलेक्ट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि आपको थियोरेटिकल नॉलेज नहीं थी. अब बच्चा सोचता है कि यार ये तो मैंने सीख लिया, क्योंकि अगर आप डेडिकेटली डिज़ाइन में जाना चाहते हैं, आपको आर्किटेक्चर में जाना, तो पहले आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपका टेस्ट क्या है. क्या आप पहले से ऐसा सोचते थे, क्या आपको मन में ख्याल ऐसा आता था, या आप कोई चीज़ देख के आप ड्रॉ करते थे, आप पिक्चर क्लिक करते थे, या आपको इसी टाइप की रील देखना पसंद है. आपको अपने टेस्ट को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि एग्जैक्टली आप डीज की तरफ डिज़ाइन आर्किटेक्चर आप इतना अटैच हो या नहीं हो. फिर भी अगर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है तो मैं डेमो क्लास लेता हूँ. उस डेमो क्लास में हम लोग कुछ क्रिएटिव करवाते हैं, मैं बच्चों से बात करता हूँ, इंट्रैक्ट करता हूँ क्या क्या काम करते हो. 3-4 दिन में क्लास लेता हूँ, उसके बाद बच्चे से बोलता हूँ कि बेटा आपका इधर ध्यान है, इधर ध्यान है, आप इधर जा सकते हो, ऐसे कर सकते हो. फिर भी बच्चा 4-5 दिन में आप जज नहीं कर पाते, तो हम उसको भी बोलते हैं कि आपको जब अगर डिज़ाइनिंग के अंदर जाना ही है, मतलब बच्चा श्योर है कि मुझे डिज़ाइन की तरफ मूव ही करना है, एंट्रेंस तो देना ही है, और एंट्रेंस आपको कॉमन एंट्रेंस होता है, मतलब पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं आते, कॉमन एंट्रेंस होता है. चाहे आप फैशन लो, टेक्सटाइल इंटीरियर, कुछ भी ले लो, बाद में. अच्छा, जैसे बीटेक के बाद आपको ब्रांच चूज करनी होती है, उसी तरीके से. ओके, तो एक साल का प्रोसेस है हमारा पूरा. एक साल में बच्चा जब तक पढ़ेगा तब तक मेरे यहाँ इंडिया के टॉप कॉलेजेस मेरे यहाँ वर्कशॉप करने आते हैं, उनके सुपर टैलेंटेड फैकल्टीज आते हैं जिनका 25-25-30 साल का एक्सपीरियंस है. वो अपने बारे में बताते हैं, सब्जेक्ट के बारे में बताते हैं, डिज़ाइन के बारे में बताते हैं, बच्चों को काउंसिल करते हैं उनकी कि बेटा आप इसमें ऐसे कर सकते हो. और केवल एक कॉलेज नहीं, इंडिया के अच्छे फेमस कॉलेजेस आते हैं. उसके अलावा मैं बच्चों को टूर पे ले जाता हूँ. टूर एक ऐसी चीज़ है, एजुकेशन टूर नाम है, लेकिन मैं बच्चों से बहुत हेल्दी रिलेशन में रहता हूँ, घुमाता हूँ उनको, खिलाता हूँ, पिलाता हूँ, बच्चों से एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट. वो ज़रूरी भी है. और उनसे उनको कॉलेज दिखा के लाता हूँ कि कॉलेज कैसा होता है, पढ़ाई कैसे होती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट यहाँ से पढ़ने के बाद जॉब क्या मिलेगी, पैसा कैसे कमाएंगे, कितना कमाएंगे, कब मिलेगा, इस बहुत सारे सवाल हैं. ये केवल बच्चे के सवाल नहीं है, ये मेनली पेरेंट्स के सवाल हैं. अगर आप पेरेंट्स पैसा खर्च कर रहे हैं, अब मैं पेरेंट्स की एक बात बताऊं, ऐसा जनरली सभी बच्चों को लगता है कि पेरेंट्स हमारे गोल, हमारे करियर के पीछे परेशान हैं, हमें IIT डॉक्टर बनाना चाहते हैं. नहीं, एक मशहूर कॉमेडियन है जाकिर खान, उन्होंने एक बात बोली थी कि भाई हमारे पेरेंट्स हमको खुश देखना चाहते हैं. अगर आपका बच्चा गरीब देखना नहीं चाहते, तो अगर आप कुछ भी चीज़ सीख कर अच्छा पैसा कमा रहे हो, तो पेरेंट्स आपके खुश होंगे, वो दुखी नहीं होंगे. अगर आप एक्टर बन जाएंगे, एक्टर बन के आपने बेशुमार पैसा कमाया, दुखी होंगे, नहीं मेरा बेटा इंजीनियर नहीं बना, ऐसा कभी नहीं, और ऐसा कोई पेरेंट्स होगा ही नहीं. तो बच्चे को सुखी देखना चाहते हैं, तो पहले तो जितने भी बच्चे हैं 11th 10th बेटा ये धारणा निकाल दो दिमाग से कि आपके पेरेंट्स आपके अगेंस्ट हैं, आपके दुश्मन हैं, वो आपके ही हैं, और सिर्फ पेरेंट्स ही जो आपके हैं, और कोई भी नहीं है, कोई नहीं हो सकता. और एट द एज ऑफ 18 और 19 नहीं, टिल जब तक वो है ना, उनसे बेटर सपोर्ट कोई नहीं हो सकता, कोई गाइडेंस नहीं हो सकती. आज कई जगह थॉट नहीं मिले, वो एक अलग बात है. मतलब एक टाइम के लिए तो मैं खुद बोलूंगा कि टीचर भी आपका नहीं हो सकता, लेकिन पेरेंट्स 100% आपके रहेंगे. तो अपना करियर, आपका करियर बनाने के लिए तो ऑफकोर्स टीचर तो आपका साथ देगा ही देगा, पेरेंट्स बहुत अच्छा साथ देंगे. उनको अपने दिल की बातें बताओ, आपके ड्रीम्स बताओ, ताकि वो आपको सपोर्ट करें. और आपके मेंटर्स जितने भी हैं, जो आपको पढ़ाते हैं, जो आपको समझते हैं, उनसे अपना डिस्कस करो, शेयर करो. और एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है फ्रेंडशिप. आजकल फ्रेंडशिप लोग समझते हैं पार्टीज वगैरह, हंसी मजाक, स्टोरी वगैरह डालना, लेकिन यही नहीं पता. जैसे मेरे यहाँ पे कई स्टूडेंट आते हैं, उनके फ्रेंड्स को नहीं पता वो मेरे यहाँ पे पढ़ने आता है. अब उसके फ्रेंड्स को बाद में पता पड़ा किसी के थ्रू, तुम यहाँ पर आते, तुमने बताया नहीं कि तुम आटन जाते हो, यार हम भी ज्वाइन कर लेते. मतलब उसे पता नहीं था, मतलब वो भी आता. तो हमें फ्रेंडशिप में अपना करियर भी डिस्कस करना चाहिए, क्योंकि हम अपने दोस्त के साथ कर चुके हैं, हमने भी किया था. मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करता हूँ, कुछ समस्याएं होती तब भी डिस्कस करते हैं हम लोग, और समटाइम्स अगर हेल्प भी करते हैं एक दूसरे को कि अगर कभी फाइनेंशियल जरूरत पड़ जाए, या फाइनेंशियल के अलावा कहीं घर में कहीं भी ऐसा डिस्कशन होता है कि एक एंग्जाइटी डेवलप हो जाती है, थोड़ा सा फ्रस्ट्रेशन लेवल रहता है. लेकिन आप स्कूल के दोस्तों के साथ, बचपन के दोस्तों के साथ आप आधा घंटा बैठ जाओ, वो सारी चीज़ रिलीज हो जाती है, मज़ा आ जाता है उनके साथ बैठने में. तो मुझे लगता है कि एक बच्चे की लाइफ बनने में दोस्ती, पेरेंट्स, टीचर्स और खुद की विल पावर
टू आइडेंटिफाई योर करियर के एग्जैक्टली क्या है मेरा टेस्ट, कैसा करना चाहिए, फिर भी डाउट आ रहा है, तो प्लीज़ अगर आपको डिज़ाइन आर्किटेक्चर फाइनेंस में जाना है तो मुझसे संपर्क करें एक बार, या फिर लव्स आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, आपको डेफिनेटली अच्छी गाइडलाइन मिलेगी। अभी है ना आप बात कर रहे थे IIT को लेके, यस, कि IIT के एग्ज़ाम की सीड की बात कर रहे थे, और ऑफ कैमरा आपने बताया था IIT के दो पेपर्स होते हैं। हाँ यस, वो थोड़ा सा आप प्लीज़ ब्रीफ कीजिए। मतलब एक्चुअली क्या है, हमारे कोटा में 2.5 से 3 लाख बच्चा पढ़ने आता है, डेफिनेटली आता है, इतना बड़ा डिजर्ट है ये कि वर्ल्ड फेमस है ये, बहुत सारे गिनीज बुक दर्ज है हमारे नाम पर। हाँ बिल्कुल, है ना, इतना सारे बच्चे में से बच्चा आता है, फॉर्म भरता है, क्लास ज्वाइन कर लेता है। तो हमारे BTech अगर हम एग्ज़ाम देना चाहते हैं, मतलब JEE मेंस की बात करते हैं, JEE मेंस जो है वो दो पेपर करवाता है। अच्छा, यस, JEE मेंस दो पेपर करवाता है, पेपर वन जो होता है वो होता है BTech करने के लिए। ओके, अगर किसी बच्चे को डिज़ाइन मतलब ये सॉरी इंजीनियरिंग में जाना है तो वो अच्छा BTech का पहला पेपर फिल करता है, और अगर किसी बच्चे को आर्किटेक्चर में जाना है तो JEE मेंस पेपर टू फिल करता है वो, तब जाके उसे आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम होता है। और ये आर्किटेक्चर्स की जो ब्रांच है वो हर IIT के अंदर रहती है? यस, ऑलमोस्ट ज़्यादातर कॉलेजेस IIT के अंदर है, ये और उससे अलग है जो सीट के थ्रू जाते हैं। 115 कॉलेजेस इंडिया में, से ज़्यादा कॉलेजेस आर्किटेक्चर के IIT के, यस, ये आर्किटेक्चर के। ओके, और अगर बिल्डिंग बनती है तो हम आर्किटेक्ट को लेते हैं, इंटीरियर डिज़ाइनर को लेते हैं, लेकिन अगर एक अच्छी बिल्डिंग बनती है कम स्पेस में, जिसमें आपकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग स्पेस निकल जाती है कि आपको ये भी चाहिए ये भी चाहिए, तो एमए कोई नहीं निकाल सकता आर्किटेक्ट के अलावा, उसे टेक्निकली सिखाया जाता है ये। हम दुबई को जानते हैं, वर्ल्ड फेमस, क्यों जानते हैं? बिकॉज ऑफ इस आर्किटेक्चर, स्काई स्क्रैपर्स, मल्टीपल बिल्डिंग्स, बुर्ज खलीफा, अटरम सटरम, बहुत कुछ इंजीनियर। और मुझे लगता है कि बुर्ज मतलब दुबई से बेटर आर्किटेक्चर का एग्जाम्पल कोई हो नहीं सकता है, इतने सारे स्काई स्क्रैपर्स हैं, मल्टीनेशनल बिल्डिंग्स हैं, और कुछ अटपटी जिसको बनाने में आर्किटेक्ट के अलावा कोई कर नहीं सकता वो काम। तो JEE मेंस इतने बड़े दो पेपर कराता है जिसमें से लोगों को सिर्फ एक पेपर पता है कि पेपर वन आपका BTech का है, और इतने सारे बच्चे जो कोटा में पढ़ने आ रहे हैं उनमें से कई बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता कि पेपर टू आर्किटेक्चर का एग्ज़ाम होता है। तो वो उस एग्ज़ाम के अंदर भी सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस के लिए फाइट किया जाता है, या उसको फाइट करने का तरीका कोई अलग रहता है? पेपर की डेट्स लमसम आसपास ही आती हैं, जैसे अगर मान लीजिए JEE मेंस डेट अनाउंस करी है 21 से 30, तो उसके एक या दो दिन के बीच में कोई ना कोई डेट होगी जो आर्किटेक्चर पेपर टू के लिए होगी, और वो एंट्रेंस वही आते हैं जो BTech वाले के सेंटर्स आते हैं, एग्जैक्टली वही परफॉर्म है, एप्लीकेशन फॉर्म भी JEE मेंस में भरा जाता है वैसे ही। मेरा क्वेश्चन जो है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल JEE मेंस पार्ट वन के लिए कोई बच्चा BTech के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, इंजीनियर के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो वो बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे जाके वो पढ़ता है, फिजिक्स पढ़ता है, केमिस्ट्री पढ़ता है, मैथमेटिक्स पढ़ता है, तो जो पेपर टू है उसके लिए भी यही एजुकेशन या यही पढ़ाई काम आती है, या उसके अलावा एडिशनली कुछ और पढ़ना पड़ता है उसको? मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देता हूँ, थोड़ा सा गाइडेंस। JEE मेंस पेपर टू आर्किटेक्चर कहते हैं उसे, उसमें मैथमेटिक्स आती हैं, मैथमेटिक्स का लेवल BTech का जो सिलेबस है वही होता है, लेकिन उसमें पर्टिकुलर कुछ सब्जेक्ट जो है डाउन चले जाते हैं, डाउन मतलब उनका लेवल डाउन होता है, तो वो BTech लेवल के मैथ्स नहीं आती, थोड़ी डाउन चले, सब्जेक्ट वही है, कोर्स टॉपिक वही है सारे। फिर आपका रीजनिंग का टॉपिक आता है जिसमें रीजनिंग के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर आपका GK आती है, GK टोटल आपके आर्किटेक्चर होती है। अच्छा, उसमें उसमें ये नहीं आएगा कि हिस्ट्री से रिलेटेड कुछ नहीं आएगा, नहीं, आपका सिर्फ आर्किटेक्चर के बारे में आएगा, करंट अफेयर्स आते हैं तो भी आर्किटेक्चर का आएगा, और क्रिएटिव के क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग से रिलेटेड। अब ड्राइंग के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो उस लेवल के क्वेश्चन नहीं होते जो स्कूल में पढ़ाई जाती है, इसके पीछे कुछ टर्म्स यूज होती हैं क्रिएटिव के, सब्जेक्ट होते हैं, जैसे पर्सपेक्टिव एक टॉपिक है, शेडो एक टॉपिक है, 3D 2D है, आइसोमेट्रिक टाइप के ऐसे क्वेश्चंस हैं, ऐसे टॉपिक यूज होते हैं उन क्रिएटिव क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और वो क्रिएटिव क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के होते हैं, मतलब नॉर्मली 3 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 3 क्वेश्चन में 100 मार्क्स, 50 25 25 ऐसे होंगे। JEE मेंस पेपर टू की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये सिलेबस है उसका, ये ड्राइंग के क्वेश्चंस होंगे, ड्राइंग का 3 क्वेश्चन आते हैं उसमें। ओके, हाँ, और जैसे थोड़ा आप क्वेश्चन को बताओ, अगर कोई क्वेश्चन है आपको रिकॉल हो रहा हो तो कैसे क्वेश्चन आते हैं ड्राइंग में, बताता हूँ मैं। एक्चुअली ये इमेजिनेशन क्वेश्चन होते हैं, इसमें ये बोला है कि आप एक कमरे में बंद हो गए हैं, और आपको ये देखना, कमरा जो है वो एक कॉलेज कॉरिडोर का है, मतलब कॉलेज कॉरिडोर का लास्ट है, और वो कॉरिडोर दिखाई देता है,
तो जो गेट है उसका, उसके की होल से आप बाहर देख रहे हो, झांक रहे हो, तो जो की होल से दिख रहा है वो आपको ड्रॉ करना है. विजुलाइजेशन, दे चेक देयर योर विजुलाइजेशन कि कितना स्ट्रांग है आपका विजुलाइजेशन. और नॉट इवन इट्स माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये भी देखते हैं कि एक स्काई स्क्रैपर है, बिल्डिंग से लंबी चौड़ी, और एक बर्ड उड़ रही है वहाँ आसपास, और बर्ड जब उड़ रही है तो बर्ड को नीचे क्या दिख रहा है वो ड्रॉ करना है. तो बर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको वो अज्यूम उसका पीओवी देखना है. यस, अब वो बर्ड का व्यू इंसान के व्यू को समझने के लिए कुछ टेक्निकल सब्जेक्ट होते हैं जो हम पढ़ाते हैं. ओके, यस, कौन से होते हैं वो थोड़ा सा बता सकते हैं? एक सब्जेक्ट है जिसको पर्सपेक्टिव कहते हैं हम लोग. अगर बिल्डिंग्स बनानी है या किसी चीज़ को फोटोग्राफी क्लिक करनी है या किसी चीज़ को, मतलब एक्चुअली ये जो पर्सपेक्टिव सब्जेक्ट है ये देखने का प्रोसेस है. मतलब अगर मैं आपके सामने एक क्यूब रख देता हूँ तो उस क्यूब के तीन चार एजेस या फेसेस आपको नजर आएंगे. लेकिन उसको अलग अलग तरीके से रखूंगा ना. जैसे सिंपल सी बात, मैं रेलवे ट्रैक के ऊपर खड़ा हूँ, आपको रेलवे ट्रैक के जो बीच के गैप होते हैं ना वो धीरे धीरे छोटे नजर आते जाते हैं, है ना. अब वो छोटे क्यों हो रहे हैं, इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन है. हमारी अर्थ गोल है एक्चुअली, उसके पीछे टेक्निकल सपोर्ट है. तो चीज़ें बड़ी से छोटी, छोटी से बड़ी नज़र आती हैं, तो वो वहाँ एक टेक्निकल सपोर्ट लगता है. पूरा एक लंबा प्रोसेस है ये. तो उस प्रोसेस को पढ़ाया जाता है. अगर कोई सा ऑब्जेक्ट मैंने रखा है उसकी शेडो बनती है. तो क्वेश्चन ऐसा आता है कि आपको ये बताएंगे कि सुबह के 9 बज रहे हैं. अब इन्होंने 9 बजने का मतलब ये, उस क्वेश्चन का ये मतलब है कि आपको उसमें परछाई दिखानी पड़ेगी जो भी आप बनाओगे. तो उसमें डायरेक्टली पूछा नहीं है, ये लॉजिक है. तो उन्होंने बोला सुबह के 9 बज रहे हैं, इसका मतलब है कितने एंगल पे लाइट आएगी, 45 डिग्री पे आएगी. तो लाइट के अकॉर्डिंग जो ऑब्जेक्ट होंगे एक शेडो बनेगी. उसकी शेडो कैसी बनेगी और डायरेक्शन भी मेंशन कर देते हैं कि इस डायरेक्शन से लाइट आएगी. यस, तो ये बहुत टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं. ये इसमें रीजनिंग आती है भरपूर, पूरा आर्किटेक्चर से रिलेटेड होती है. इसमें व्यू सेक्शन पूछे जाते हैं, टॉप लेफ्ट राइट एलिवेशन, ये सब पूछे जाते हैं इसके अंदर. ओके, रीजनिंग भी, मतलब जो रीजनिंग आती है वो आर्किटेक्चर से रिलेटेड रहती है. मतलब जो भी सब्जेक्ट होगा वो आएगा आपका आर्किटेक्चर से रिलेटेड. हाँ, तो इसकी कोचिंग जो होता है स्पेशली जो एक्सपर्ट होते हैं उन्हीं से करी जाता ज़्यादा अच्छा है. क्योंकि समटाइम्स बच्चा सोचता है कि मैं स्टडी मटेरियल ले लेता हूँ और मैं कर लूँगा. लेकिन क्या होता है कि जब आप करियर को लगा दाव पर लगा ही रहे हो तो कैजुअली मत खेलो. ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी चला रहे हो सीट बेल्ट नहीं लगाई आपने, खुदा ना खास्ता कब दुर्घटना घटी पता नहीं होता है. इसलिए करियर के साथ मजाक नहीं किया जाए. करियर आप बना रहे हैं तो करियर को सीरियसली लिया जाए. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है बच्चा दो नावों में सवार रहता है कि मैं बीटेक कर रहा हूँ और बीआर भी दे दूंगा. ठीक है, इस कोर्स का नाम बीआर क्या है? इसको बीआर कहते हैं, बैचलर इन आर्किटेक्चर. ओके, तो बच्चा ऐसे करते हैं. अगर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चा है, इंटेलिजेंट, तो वो दो नावों में सवार हो सकता है. लेकिन अगर बच्चा नहीं है, और मुझे लगता है कई हद तक ना कुछ कसूर पेरेंट्स का रहता है. अगर पेरेंट्स थोड़ा सा अवेयरनेस बढ़ा दें अपनी, सर्च करने लग जाएं डेटा, खुद की अवेयरनेस, यस, तो रिसर्च बढ़ा दें, रिसर्च बढ़ा दें वो, तो बच्चे को किस स्ट्रीम में भेजना है उनको पता हो. क्योंकि देखो मेरे बच्चे को क्या पता है, क्या पसंद है मुझे पता है, कब खांसी आती है, कब जगता है, ये सब पता है. आपको उसका टेस्ट नहीं पता कि उसका करियर क्या बनाना है. और दूसरा, हम नहीं बन पाए इसलिए हमारे बच्चे को बना रहे. अरे जब आप ही नहीं बन पाए तो आप ही का खून ही तो बच्चा. ठीक है, मतलब प्रैक्टिकल बात है ये. तो ये बात हो गई कि आपने अपनी चीज़ को ढो दिया बच्चे के ऊपर, वो नहीं हो रहा और वो बच्चा जबरदस्ती भागे जा रहा है. ठीक है, मतलब मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मैं बहुत सारे बच्चों से बहुत कनेक्टेड हूँ और ये कई बार उनके साथ बात होती है और बात करते करते लिटरली उनके आंसू आते हैं, मेरे भी आते हैं. वो रहता है सर, नहीं वो बच्चा मुझसे आके बोलता है सर मेरा क्या कसूर है. अगर मान लो जब मेरे पापा से बीटेक नहीं होती, इंजीनियरिंग आईआईटी नहीं गए, तो पापा मेरे पीछे पड़े बेटा आईआईटी करो. अगर आपका बच्चा आईआईटी नहीं कर पा रहा तो आपको लगता है डफर है वो. सर मैं भी मेडिकल नहीं कर पाया लेकिन आज अपने सब्जेक्ट में डंका बजा रखा मैंने. तो आप अपने बच्चे का स्वाद पहचानो, टेस्ट पहचानो, वो क्या करना चाहता है. अगर वो पकड़ लिया आपने, आपका बच्चा कहीं और, उसकी जिंदगी कहीं और, उसकी चीज उसको इंतजार कर सकती है जो आप सोच रहे हो, कुछ ऐसी चीज इंतजार कर रही है जो आप उसको रोक रहे हो. क्योंकि हमारे हिंदुस्तान क्या है, अकेडमी स्ट्रांग है तब ना स्ट्रांग है, मतलब वीक है वो डफर है. तो यार आप खुद बताओ, विराट कोहली अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं है तो यार वो तो करोड़ों कमा रहा है. एग्री. एमएस धोनी टीटी नहीं था, अच्छा टीटी नहीं बना, अरे यार अब तो पता नहीं कितने टीटी उसके आगे पीछे घूम रहे होंगे. तो यू हैव टू बी फाइन एंड बेस्ट इन योर फील्ड. तो बच्चा एक 11 12 का बच्चे को क्या पता होगा यार कि कहाँ जाना है, किधर जाना है, उसको रास्ता दिखाने वाला कौन, दोस्त, टीचर, पेरेंट्स, लेकिन पड़ोसी नहीं है. सबसे ज्यादा रोल
पेरेंट्स का पड़ोसी नहीं है, क्योंकि पड़ोसी मैंने 3 Idiots मूवी देखी थी, उसमें वो कहता है कि ये एसी मेरे पड़ोसी ने नहीं लगाया, वर्मा जी ने एसी नहीं लगाया। ये सच बात है, खाने में जब हमको आम मिलता है कट के, तो पता है कि आम कौन खरीद के लाया है, एक ही आम है उसमें 4 लोग खाएंगे, ये पड़ोसी लेके नहीं आया, तो पड़ोसी का डिसीजन नहीं लेना चाहिए और ना उनकी एडवाइस लेनी चाहिए कि वो क्या बोल रहा है। तो हमारे बच्चे हिंदुस्तान के बहुत टैलेंटेड है, पेरेंट्स प्लीज़ थोड़ा उनका ध्यान रखो, सुनो उनकी बात, ज़रूरी है। हाँ, कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ऑनलाइन स्टडीज़ के ऊपर फोकस करते हैं, स्पेशली हमारी फील्ड के अंदर, डिज़ाइन के अंदर मल्टीमीडिया फील्ड के अंदर, मतलब मैं ओवरऑल सबको इंक्लूड कर रहा हूँ उसमें, सिर्फ डिज़ाइन नहीं। अब उसके लिए भी बहुत सारे प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म्स भी हैं, एक बहुत इम्पॉर्टेंट भी है और थोड़ा सा उसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बैकवर्ड पॉइंट भी क्रिएट होता है, यूट्यूब पे रैंडम ट्यूटोरियल्स बहुत मिलते हैं, तो उन चीज़ों को कैसे फेस करें, क्योंकि आपने आपको स्टेप ए को सीखना है, अब कई बार नहीं मिलता वो, आपको स्टेप बी मिलता है। अब जब तक आप स्टेप बी तो देख लोगे, लेकिन स्टेप ए अगर आपने नहीं करा या आपको नॉलेज नहीं है, तो स्टेप बी को करने में या सी को करने में प्रॉब्लम आती है, उस चीज़ को किस तरीके से हैंडल करें जो कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है। देखिए, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि एक्चुअली ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब लोग समझ नहीं पा रहे हैं। ऑनलाइन एजुकेशन का मतलब ये है कि ये उसके लिए है जो इंसान फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकता, बहुत दूर रहता है, तो उसके लिए है ये उसके लिए नहीं है कि सेम सिटी में रहकर घर पर बैठ के पढ़ रहे हो। एक तो ये चीज़, ये धारणा लोगों को हटानी पड़ेगी। दूसरा, कुछ लोग जॉब करते हैं और चाहते हैं जॉब के साथ कुछ लर्न करना, तो ये उनके लिए है, क्योंकि सैटरडे संडे उनका फ्री रहता है, तो कुछ लर्न कर लें। डेफिनेटली। तो ऑनलाइन एजुकेशन क्या है, मैं ये पर्टिकुलर किसी चीज़ के लिए तो नहीं बोलूँगा, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन बहुत कई हद तक तो सक्सेसफुल है, बहुत अच्छी, क्योंकि बहुत अच्छा सिखा पा रहे हैं, उसके अंदर एनिमेशन का सपोर्ट वगैरह यूज़ करते हैं। लेकिन ग्राफिकल या डिज़ाइनिंग स्ट्रीम के अंदर अगर हम बात करें, स्पेशली मैं यूट्यूब पर जाऊँगा पहले, तो यूट्यूब बहुत अच्छी चीज़ समझने के लिए, लेकिन यूट्यूब आपको ना मॉड्यूल वाइज नहीं सिखाता है, 1, 2, 3 एक ऑर्डर में नहीं सिखाता है, उसमें जो आप सर्च करोगे या जिसने जो वीडियो डाली है वो आपको मिलती है, और वो वीडियो कट टू कट होती है मेनली पर्टिकुलर एक प्रोग्राम को करने के लिए, तो आप डायरेक्टली वो सीख लेते हो और आपको आ जाता है। लेकिन 2-4 चीज़ें करने से आप डिज़ाइनर नहीं बनोगे, क्योंकि उसमें आपने सॉफ्टवेयर की टेक्निक को यूज़ करके पर्टिकुलर एक प्रोटोटाइप्स या कुछ ऐसा बना दिया आपने, वो चीज़ बन गई है। लेकिन अगर उसके पीछे के बैकहेंड पे जाओगे, तो एक बहुत लंबा थ्योरी प्रोसेस है, उसको समझना ज़रूरी है, जिसको 1-to-1 लर्न करना ज़रूरी है। जैसे अगर बच्चे को मैं फर्स्ट क्लास में नहीं भेजूँ, जैसे कुछ बच्चे जंप कर लेते हैं क्लासेस, अब तो ये रूल आ गया गवर्नमेंट का, अब नहीं कर सकते। तो पहले क्या होता था, LKG HKG UKG जो भी क्लास होती थी, उसके बाद बच्चा फर्स्ट में आता, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अगर आप बच्चे को LKG HKG मत कराइए, डायरेक्ट फर्स्ट में लाइए, 2-3 मत पढ़ाओ, डायरेक्ट फोर्थ में पढ़ाओ, आपको क्या लगता है बच्चा क्या होगा? यस, उसकी एकेडमी मिस हो जाएगी, और वो मिसिंग की वजह से वो जब कहीं जॉब करेगा या कहीं कॉलेज में जाएगा, वो वहाँ फेस करेगा। सेम एज़ अगर हमारी कैटेगरी के अंदर बच्चा ऑनलाइन यूट्यूब से कोई चीज़ सीखता है, तो यूट्यूब में उसको बहुत उलझने पड़ेंगे बाद में जाके, और यूट्यूब से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं आई नो, लेकिन उसके लिए पर्टिकुलर कोर्स करना ज़रूरी है, वो आपको हेल्प करता है। मेरा भी यही मानना है कि आप यूट्यूब इज़ वेरी गुड, अगर आप एक बेस अगर आपका है पहले से, हैव योर बेस, यस यस यस, अगर वो बेस के बाद आप अगर इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल पे प्रिपेयर कर रहे हैं ना, तो यूट्यूब इज द बेस्ट थिंग। यस, क्योंकि आपको वैरायटी मिलेगी आपको, ठीक है, वैरायटी और नंबर ऑफ टीचर्स अवेलेबल है, लेकिन अलग अलग चीज बताने के लिए, लेकिन आपको पहले बेस होना बहुत जरूरी है। ऑफ कोर्स, अगर आपका बेस नहीं है तो ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत डिफिकल्टी आएगी, बहुत डिफिकल्टी। एक और चीज़ ऑनलाइन एजुकेशन में अगर मैं बात करूँ, तो एक तो पॉइंट ये था कि आप यूट्यूब से सीख लीजिए, लेकिन उसके लिए आपका बेस रेडी होना ज़रूरी है, एक लर्निंग ज़रूरी है। वो लर्निंग अगर आप ऑफलाइन पढ़ेंगे तो मज़ा आता है पढ़ने में, समझ में आएगा। अब ऑनलाइन और ऑफलाइन डिज़ाइन सब्जेक्ट को मैं समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। आप एक क्लास में बैठे हैं जहाँ आपको फिजिकली क्लास पढ़ाई जा रही है, जहाँ 30-40 बच्चे बैठे हैं और आप क्लास में पढ़ रहे हैं, तो पहला चीज़ ये आता है कि अगर 30-40 बच्चे हैं तो आपका कॉम्पिटिशन अपने आप में उनके साथ होने वाला है। पर्टिकुलर टीचर ने आपको कुछ पढ़ाया और बोला, आपको ये टास्क दिया कि आपको ये करना है डिज़ाइनिंग के अंदर, अब वो सारे जो बच्चे आपके साथ बैठे हैं वो आपके कॉम्पिटिटर हैं, आपको जो काम करना है आपके अंदर चैलेंज आएगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप घर बैठ के सीखेंगे, तो आपको सिर्फ वो टास्क करने का मतलब है पता है बस, आपको ये नहीं पता कि इसको कितनी तरीके से कर सकता हूँ। और 40 लोग बैठे हैं तो 40 ब्रेन्स आपके सामने, और 40 ब्रेन्स के 40 आइडिया आपके क्लास में रखे होंगे। एग्री विद दैट, ये डिफरेंस है।
तो ऑनलाइन और ऑफलाइन में ये डिफरेंस आ जाता है। प्रैक्टिकली ये भी दिक्कत आती है कि अगर मान लो मुझे 2D पढ़ाना है, 3D पढ़ाना है, तो मैं सॉफ्टवेयर के थ्रू आपको पढ़ा दूंगा। अभी रिसेंटली मैं 3-4 दिन पहले 3D की क्लास ले रहा था बच्चों की, तो मैंने प्रोटोटाइप्स बनवाए बच्चों से कार्डबोर्ड से, ताकि विजुअली उनको मैं समझा सकूँ। अब ये विजुअली मैं ऑनलाइन कैसे समझाऊँगा, ये बहुत टफ है, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ तो मेरे को बहुत दिक्कत आती है। और ऑनलाइन पढ़ने वाला बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होना ज़रूरी है, टेक्निकली स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, ताकि अगर ऑनलाइन बच्चा एक बिगनर है और वो ऑनलाइन पढ़ रहा है, नहीं आएगा समझ में, बहुत मुश्किल फेस होती है उसको। तो ऑनलाइन बहुत सारे चीज़ें हैं जिसको समझना ज़रूरी है हमें, हर एक के अंदर, मतलब हर कोई नहीं सीख सकता, मैं ये नहीं कहता कि ख़राब है, लेकिन हर कोई नहीं सीख सकता। और फिज़िकल क्लास को ख़त्म मत करो, क्योंकि उसका अलग मज़ा है। और आज हम हमारे स्कूल की फिज़िकल क्लास को याद करते हैं, तो मिस करते हैं, यारी दोस्ती याद करते हैं, वो टिफ़िन शेयरिंग याद करते हैं, वो क्रिकेट खेलना याद करते हैं, वो कॉपी के अंदर कुछ बनाया था वो याद करते हैं। तो फिज़िकल क्लास को ख़त्म मत करो, मज़ा आता है पढ़ने में, और उससे हम ह्यूमैनिटीज सीखते हैं, इंसानियत सीखते हैं, रिलेशंस बनाना सीखते हैं, तो वो ख़त्म नहीं होनी चाहिए। ऑनलाइन बेस्ट है, नो डाउट, मैं मना नहीं करता उसके लिए, लेकिन उनके लिए जिनको ज़रूरत है, अननेसेसरी उसको ख़राब मत करो, ज्वाइन करो, मज़ा आता है पढ़ने। तो सर अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया कि NIDs, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, IIT के अंदर भी इस तरीके के होते हैं, आर्किटेक्चर है, सारी चीज़ें हैं, आप एक छोटा सा हमारी जो अपकमिंग जनरेशन है उनके लिए ये एज अ करियर काउंसलर के पॉइंट ऑफ परस्पेक्टिव से आप ये सजेस्ट कर सकते हैं या बता सकते हैं कि अगर बच्चा इस तरीके की कोर्सेज में आ रहा है और कर रहा है, तो फ्यूचर में उसके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज एज अ प्रोफेशनली अर्न करने का तरीका क्या क्या निकल के आते हैं, इसको मैं अलग तरीके से एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ हाँ sure। पहले तो मैं ये देखता हूँ कि लोग ये समझते हैं डिज़ाइन मतलब टाइम पास, और आर्किटेक्चर या फाइन आर्ट जो भी डिज़ाइनिंग की स्थिति मतलब वो फालतू है, ऐसा कोई मतलब नहीं। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझाता हूँ, अगर कोई इंसान सुबह उठता है, उसके हाथ में एक ब्रश है, तो ब्रश बिना प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग के नहीं बन सकता, प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग एक सब्जेक्ट है। अगर वो कपड़े पहनता है, तो कपड़ा बनाना टेक्सटाइल डिपार्टमेंट का काम है, तो कपड़ा बनता कैसे है वो टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग हो गया। कपड़े का बनावट जो गारमेंट्स है वो फैशन डिज़ाइनिंग हो गया। अब वो अगर नहाने जाता है वॉशरूम में, तो वो कॉस्मेटिक डिज़ाइनिंग आ गया, कॉस्मेटिक का भी पार्ट है वो, मेकअप डिज़ाइनिंग, हेयर स्टाइलिंग, ये आपका कॉस्मेटिक डिज़ाइनिंग है। अगर वो जिस घर में रहता है वो इंटीरियर डिज़ाइनिंग का पार्ट है, इंटीरियर डेकोरेटिव का पार्ट है, जिस मकान को बनाया वो आर्किटेक्चर का पार्ट है। अब वो वहाँ से निकला, घड़ी पहनेगा, वो भी डिज़ाइनिंग, वो भी चेन पहनेगा, ज्वेलरी डिज़ाइनिंग, एसेसरी डिज़ाइनिंग, चश्मा पहनेगा, वो गाड़ी उठाता है ऑटोमोबाइल डिज़ाइनिंग। मतलब आपकी ज़िंदगी में डिज़ाइनिंग कहाँ नहीं है, और आप कहते हैं कि डिज़ाइनिंग वेस्ट है। तो मुझे लगता है कि डिज़ाइनिंग बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यार, हम सुबह उठने से लेकर रात के सोने तक डिज़ाइनिंग के बगैर पॉसिबल ही नहीं। और अब लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड जीने और मरने से नहीं, एक खाना खा के सो गए और मरने तक का इंतजार कर रहे हैं, अब लोग ब्यूटीफुल खूबसूरत ज़िंदगी जीना चाहते हैं। और इसकी डिज़ाइनिंग की स्ट्रीम्स और करियर इतना बड़ा है, आप ये सोचिए कि घर बनाने के लिए भी इंटीरियर डिज़ाइनर को बुलाना पड़ता है, और कार जब लेते हैं तो ये नहीं पूछते एवरेज क्या देती है, पापा ये बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, पापा प्लीज़ डिज़ाइन कार अच्छा है यही लीजिए। रोल्स रॉयस को परचेस करते वक्त वो आदमी पूछेगा, भाई साहब ये कितना एवरेज देती है। हम कपड़ा अगर पसंद आ जाता है ना शोरूम पर जाके, एक बार कपड़ा पसंद आ गया, हम ये नहीं सोचते कितने का होगा। अगर लड़की की शादी हो रही है ना, वो क्योंकि मनीष मल्होत्रा का लहंगा पहनूंगी तो मनीष मल्होत्रा का लहंगा ही पहनूंगी। अगर जितने सेलिब्रिटी हैं उनकी शादी हो रही है, सब्यसाची ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहा है, मनीष मल्होत्रा डिज़ाइन कर रहा है, तो भाई आप समझ जाओ कि डिज़ाइनिंग कितना बड़ा सब्जेक्ट है। एक एक चीज़, हर एक चीज़, बारीकी चीज़ डिज़ाइनिंग से होके गुजरती है, बहुत बड़ा करियर है। बुर्ज खलीफा को बनाने वाला आर्किटेक्ट था, और आईफिल टावर जिसने बनाया वो आर्किटेक्ट था, और उसका नाम था गुस्ताफ आईफिल, जिसके नाम पर आईफिल टावर रखा गया। तो आप समझ जाइए कितना बड़ा डिज़ाइनिंग का फील्ड है। अगर हम मोनालिसा की बात करें, जिसमें वर्ल्ड फेमस पेंटिंग है, उसको लियोनार्डो द विंची ने बनाया है, हम डॉक्टर का नाम नहीं जानते कि किसी ने बहुत ब्यूटीफुल बड़ा ऑपरेशन किया। हाँ, मोनालिसा की पेंटिंग तो सब जानते हैं। तो आप समझ जाइए कि डिज़ाइनिंग, पेंटिंग, फाइन आर्ट्स, आर्किटेक्चर कितना बड़ा स्ट्रीम है, हम कहाँ जा सकते हैं, हम दुनिया छू सकते हैं, दुनिया बदल भी सकते हैं। सिर्फ सोच चाहिए और कॉन्फिडेंस चाहिए, बस। तो थैंक यू दपेश सर फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। थैंक यू। एंड होप हम नेक्स्ट पॉडकास्ट जल्दी लेकर आएंगे, और अभी तो हमने ओवरऑल सारे टॉपिक्स पर डिस्कस किया है। नेक्स्ट टाइम कभी ऐसा लेकर आएंगे कि हम सिर्फ आर्किटेक्चर पर बात करेंगे, या फैशन पर बात करेंगे, या कभी किसी डिज़ाइन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे।
थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच स्पेशली फॉर क्यूरियस जिन्होंने अपॉर्चुनिटी दी मुझे यहाँ पे आने की. और डेफिनेटली आपका ये जो प्रयास है वो लोग तक जाना चाहिए और मैं अपनी तरफ से आपको बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूँ. थैंक यू सो मच. होप आपने ये पॉडकास्ट इंजॉय किया होगा. इस पॉडकास्ट में हमने काफ़ी इन्फॉर्मेटिव कम्युनिकेशन किया है और ये आपके लिए बहुत टाइम वैल्यूएबल भी रहा होगा. सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अस नो कि व्हाट विल यू वांट इन आवर नेक्स्ट एपिसोड. थैंक यू.